मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम वेदांत स्कूल। आई विल बी टीच यू उर्दू। देखिए आज अपन पढ़ेंगे तीसरा सबक, सबक नंबर तीन। आज पढ़ेंगे अपन सबक नंबर तीन। तो देखिए आपकी बुक में आप सबक नंबर तीन देखिए और इसमें मैच करिए। देखिए अपन कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबक नंबर तीन में क्या दे रखा है, नून और ये। क्या दे रखा है अपने सबक नंबर तीन में, नून ये। तो देखिए सबक नंबर तीन का अपन नून और ये किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए ये नून है और ये अलीफ है और ये पे है। ये नून, ये अलीफ, ये पे। तो नून को अलीफ के साथ जोड़ा तो नून अलीफ ना और पे साकिन है ना। पे साकिन को अपन पे प्लस कर देते हैं। पे साकिन की जगह अपन क्या बोलेंगे, क्या कर देंगे, पे प्लस कर देंगे, यानी कि पे को इसके साथ मिला देंगे। तो देखिए नून अलीफ ना और पे ना, नून अलीफ ना और पे ना, नून अलीफ ना और नून अलीफ ना। नून के साथ अलीफ जुड़ा हुआ है, नून के साथ अलीफ जुड़ा हुआ है, तो नून अलीफ ना और नून अलीफ ना, नाना। नून अलीफ ना और नून अलीफ ना, नाना। नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, ये ते है, दो नुक्ते वाली क्या होती है, ते। तो देखिए नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, नाता। नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, नाता। इसके ऊपर अपन को जबर नहीं है, लेकिन अपन को जबर की जगह तारीख ही बोलना है। नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, नाता। जैसे इसके ऊपर भी जबर नहीं है, इस पे भी जबर नहीं है, लेकिन अपन को सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि हाँ इसके ऊपर जबर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा जबर, जब अपन सिर्फ किताब में देखेंगे या कहीं पर लिखेंगे तो ये लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट अपन को बोला जाएगा। तो नून अलीफ अपन ना, नून अलीफ ना, नून अलीफ ना, ना ना। नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, ना ता। नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, ना ता। अलीफ जबर आ और नून अलीफ ना, आना। अलीफ ये जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या है, मद के ये ऊपर जो लगा हुआ है इसे क्या कहा जाता है, मद कहा जाता है। और ये केवल अलीफ के ऊपर ही लगाया जाता है, इसके अलावा किसी भी हुरूफ के ऊपर ये लफ्ज़ ये मद
ये बान, तान, बान, नान, बीन, तीन, तीन,
नान